लक्सर तहसील की तहसीलदार को वैसे तो लक्सर में ही सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन तहसीलदार महोदया सरकारी आवास में न रहकर लक्सर से 22 किलोमीटर दूर स्थित रुड़की में जाकर रहती हैं। इसके लिए वो रोजाना लक्सर से रुड़की के लिए सरकारी गाड़ी का ही इस्तेमाल करती हैं, जबकि सरकार ने उन्हें लक्सर में ही सरकारी आवास भी दिया है। ऐसे में तहसीलदार महोदया सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि अब तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन का आरोप है कि लक्सर तहसीलदार काम नहीं कर रही हैं। पिछले 3 महीने से वो अपने न्यायालय में नहीं बैठी हैं और तहसीलदार के कारण किसानों के दाखिल खारिज रुके पड़े हैं। तहसीलदार रुड़की से आती है, प्रतिदिन जाती है और ये इसकी वजह से जो है दाखिल खारिजों का काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ और अदालत में भी बैठते उससे मुकदमों का भी काम पेंडिंग है। जितनी भी फाइलें हैं सब पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी हाल में ट्रांसफर रुड़की से यहाँ हुआ है और उनके 2-3 छोटे बच्चे हैं जो कि वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा उस विषय में अनुरोध किया गया था कि अर्जेंसी में कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए इमीडिएटली यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे और क्योंकि बच्चों को एक सेशन पूरा करना है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होंगे। लक्सर तहसील की तहसीलदार को वैसे तो लक्सर में ही सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन तहसीलदार महोदया सरकारी आवास में न रहकर लक्सर से 22 किलोमीटर दूर स्थित रुड़की में जाकर रहती हैं। इसके लिए वो रोजाना लक्सर से रुड़की के लिए सरकारी गाड़ी का ही इस्तेमाल करती हैं, जबकि सरकार ने उन्हें लक्सर में ही सरकारी आवास भी दिया है। ऐसे में तहसीलदार महोदया सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि अब तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन का आरोप है कि लक्सर तहसीलदार काम नहीं कर रही हैं। पिछले 3 महीने से वो अपने न्यायालय में नहीं बैठी हैं और तहसीलदार के कारण किसानों के दाखिल खारिज रुके पड़े हैं। तहसीलदार रुड़की से आती है, प्रतिदिन जाती है और ये इसकी वजह से जो है दाखिल खारिजों का काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ और अदालत में भी बैठते उससे मुकदमों का भी काम पेंडिंग है। जितनी भी फाइलें हैं सब पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी हाल में ट्रांसफर रुड़की से यहाँ हुआ है और उनके 2-3 छोटे बच्चे हैं जो कि वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा उस विषय में अनुरोध किया गया था कि अर्जेंसी में कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए इमीडिएटली यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे और क्योंकि बच्चों को एक सेशन पूरा करना है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होंगे। लक्सर तहसील की तहसीलदार को वैसे तो लक्सर में ही सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन तहसीलदार महोदया सरकारी आवास में न रहकर लक्सर से 22 किलोमीटर दूर स्थित रुड़की में जाकर रहती हैं। इसके लिए वो रोजाना लक्सर से रुड़की के लिए सरकारी गाड़ी का ही इस्तेमाल करती हैं, जबकि सरकार ने उन्हें लक्सर में ही सरकारी आवास भी दिया है। ऐसे में तहसीलदार महोदया सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि अब तहसीलदार के खिलाफ बार एसोसिएशन का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन का आरोप है कि लक्सर तहसीलदार काम नहीं कर रही हैं। पिछले 3 महीने से वो अपने न्यायालय में नहीं बैठी हैं और तहसीलदार के कारण किसानों के दाखिल खारिज रुके पड़े हैं। तहसीलदार रुड़की से आती है, प्रतिदिन जाती है और ये इसकी वजह से जो है दाखिल खारिजों का काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ और अदालत में भी बैठते उससे मुकदमों का भी काम पेंडिंग है। जितनी भी फाइलें हैं सब पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी हाल में ट्रांसफर रुड़की से यहाँ हुआ है और उनके 2-3 छोटे बच्चे हैं जो कि वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा उस विषय में अनुरोध किया गया था कि अर्जेंसी में कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए इमीडिएटली यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे और क्योंकि बच्चों को एक सेशन पूरा करना है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होंगे।